हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज जो मैं बात करने वाली हूँ कि आप सबको पता है कि पूरा भारत लॉकडाउन हो चुका है, तो इस वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। वो घर पे रह के बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी। लेकिन गाइस, मुझे उन लोगों के लिए काफ़ी दुख है जो गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है या रहने के लिए घर तक भी नहीं है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यात्री कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, उनके लिए बहुत दुख है। अगर आप लोगों पे कुछ हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ आप उन लोगों की हेल्प कर दीजिए, जो ख़ासतौर से गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे मजदूर लोग होते हैं जिन डेली कमा के लाते हैं और डेली खाते हैं, डेली उनके घर में राशन आता है थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप लोगों पे हो सके तो उन लोगों की प्लीज़ मदद कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम इंसानियत दिखाने का मौका है, तो प्लीज़ आप दिखाइए, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोगों के पास भगवान ने दिया है तो प्लीज़ आप उन लोगों की हेल्प करिए। लेकिन आज जो मैं बात करने वाली, जो लोग घर पर हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या काम करें, और बोरियत फील हो रही है और समझ में नहीं आता कि टाइम कैसे हम लोग अपना स्पेंड करें, कैसे क्या करें, तो इस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ऐसे 5 तरीके बताऊँगी जिससे कि आप अपने घर पे रह के अपनी बोरियत दूर कर सकते हो और कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो। तो चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो है, आप योगा करना स्टार्ट करिए, घर पर एक्सरसाइज करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिम जाते होंगे, मैं भी जाती थी, और लेकिन मेरा भी अब बंद हो चुका है, तो मैं भी अब जिम नहीं जा पा रही हूँ। तो मैंने आज से नहीं, कल से मैंने स्टार्ट कर दिया योगा करना। क्योंकि गाइस, योगा करने से काफ़ी फ़ायदा होता है आपके शरीर को, प्लस एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। अगर योगा पसंद नहीं है तो मेडिटेशन करिए, ये चीज़ ज़रूर करिए, और इसे अपनी रूटीन में शामिल करिए सुबह सुबह। क्योंकि घर पर रहना है, कुछ काम तो आपके पास है नहीं, ना आप बहाना बना सकते हो कि हम लेट हो जाएंगे, तो लेट का भी कोई टेंशन नहीं है। आप सुबह सुबह योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो इसे करना आप स्टार्ट कर दीजिए। घर के जितने भी लोग हैं सबसे कहिए ये करने के लिए। जो सेकंड है गाइस, आपको करना क्या है, जो आपको पसंद हो आप उसे करना स्टार्ट करिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्कर होते हैं जो काम करने वाले हैं, उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, उनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, या आपको कुछ ऐसा करना पसंद है, जैसे कि आपको डांस करना पसंद है, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, या फिर आपको पेंटिंग करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, बहुत से ऐसे जो हमारे अंदर टैलेंट होता है या फिर हमें करना पसंद होता है और वो हम टाइम की वजह से नहीं कर पाते, तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आप ये करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपके अंदर हॉबीज होंगी उसे आप निखार सकते हैं। गाइस, मैं आप लोगों को एक बात और कहूँगी, आप किसी भी धर्म के हो तो आप अपने धर्म के बारे में नॉलेज लें, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्म के अलग अलग बुक्स होते हैं, तो आप उसे पढ़िए। मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू के हिसाब से बताऊँगी कि आप गीता पढ़िए। गीता में बहुत से ऐसे बातें होती हैं जो आपके प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब खत्म हो जाता है, ये बात बिल्कुल श्योर है गाइस, कि गीता पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएं होंगी ना, वो सब दूर हो जाएंगी। अगर आप गीता पढ़ नहीं सकते हो, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आप यूट्यूब चलाते हैं या फिर बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं, आप उस पर सुन सकते हो, गीता के बारे में आप सुन सकते हैं, इसे डेली के रूटीन में आप शामिल करिए। क्योंकि गीता सुनने से गाइस हमारे अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत से ऐसे समस्याएं होती हैं, उन सब का सोल्यूशन हमें गीता में ज़रूर मिल जाता है, तो आप गीता पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो जिस धर्म के हैं अपने धर्म के बारे में नॉलेज लीजिए, उनके भी बुक्स होते हैं तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको जो चौथे नंबर का बताने वाली हूँ, आपको करना क्या है, अपने घर में जो जो लेडीज़ ये वीडियो देख रही हैं, लड़कियाँ देख रही हैं, तो उनके लिए तो वो ऑलरेडी घर का काम करते हैं, लेकिन जो जेंट्स होते हैं, लड़के होते हैं, वो घर का काम नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ उन लोगों की मदद करवा सकते हैं। क्योंकि जो लेडीज़ लोग होती हैं वो घर का तो काम करती हैं, उन्हें हर साल काम करना है, तो आप अगर उनकी हेल्प कराएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनकी भी मदद हो जाएगी और आपका भी टाइम पास हो जाएगा, उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी काम से, क्योंकि उन्हें तो घर पे ही रहना है। अब लॉकडाउन हो चुका है, आप तो घर पे आ गए, लेकिन उन लोगों के साथ क्या हुआ है कि उनका काम और ज़्यादा बढ़ गया है आप लोगों की वजह से, तो आप उनकी हेल्प करा सकते हो, क्योंकि काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर आप लड़के हैं, आप जेंट्स हैं, तो आपकी मम्मी होंगी, वाइफ होंगी, बहन होंगी, उन्हें कितना अच्छा फील लगेगा कि आप उनकी हेल्प करा रहे हो, तो उनका हेल्प करवाइए। घर की साफ़ सफाई कर सकते हो आप, जो कई टाइम से आपके स्टोर रूम होगा या फिर घर में सफाई नहीं होगी, पंखा होगा, बहुत कुछ साफ़ सफाई होती है, वो सारा साफ़ सफाई आप कर सकते हो, अपने टाइम स्पेंड कर सकते हैं घर को चमकाने में।
और गाइज जो घर का जो मेन डोर होता है और जो जो सामान हम डेली छूते हैं जैसे कि मोबाइल हो गया, रिमोट हो गया, इन सब चीज़ों को सैनिटाइज करते रहिए, तो ये भी एक काम में आ जाएगा क्योंकि जो मेन डोर होता है काफ़ी लोग का आना जाना वहाँ पे लगा रहता है, तो आप इसे भी कर सकते हैं, सैनिटाइज उन्हें करते रहिए। तो गाइज मेरा जो कहने का मतलब है, आप अपने घर को ना इस टाइम ये मौका है, आप अपने घर को चमका सकते हो और आपका टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और आपको फीलिंग भी अच्छी आएगी, और घर में जब साफ सफाई होती है ना तो गाइज तो मन भी लगता है। और गाइज बहुत सारे लोग ये हैं घर में रह के काफ़ी सदस्य एक साथ हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा चिकचिकीबाजी, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, जितना हो सके प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए, क्योंकि ये टाइम अभी लड़ाई झगड़े का चिकचिकीबाजी का नहीं है। जितना हो सके प्यार से रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घर में जितनी शांति रहेगी ना गाइज उतना ही मन में शांति होती है, आपका मन लगता है, पूरा परिवार खुश हो जाता है इस चीज़ से। तो घर में चिकचिकबाजी होती है तो प्लीज़ उसे ना करें, क्योंकि ये टाइम है परिवार में होते हैं चिकचिकबाजी होना स्टार्ट हो जाता है इन सब माहौलों में, घर में इतने सारे लोग हैं, कभी उसने कुछ कर दिया, कभी उसने कुछ कर दिया, तो इन सब चीज़ों से बचें। तो गाइज़ मैं आपको जो पाँचवें नंबर का बताने वाली हूँ, आप अंग्रेजी पर अपने ध्यान दीजिए। जिन्हें इंग्लिश आती है उनका तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि मोस्टली हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो आप अपना इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि आप लिखना सीख सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं। तो गाइज ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अपनी अंग्रेजी पे भी ध्यान दें, क्योंकि ये वक्त ऐसा है आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो इंग्लिश पे भी आप ध्यान दें कि इंग्लिश अच्छा खासा अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप भी आते हैं, बुक्स होती हैं, तो वहाँ से आप अंग्रेजी को सीख सकते हो। गाइज इंग्लिश सीखने के लिए आप इंग्लिश बुक्स पढ़ सकते हो, अगर इंग्लिश बुक्स आपके घर में नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, मोबाइल में ऐसे बहुत से ऐप हैं या बहुत से ऐसे न्यूज़ होते हैं, आप उसे पढ़ सकते हो, जो समझ में नहीं आता उस मीनिंग को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप उसे गूगल पे या डिक्शनरी पे सर्च कर सकते हो इसका मतलब क्या होता है, तो आपकी इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। गाइज बहुत सारे ऐसे इंग्लिश सीखने के ऐप होते हैं, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, मैंने भी एक ऐप डाउनलोड किया है, तो मैं भी वहाँ से इंग्लिश सीख रही हूँ, उसमें गेम भी खेलने को मिलता है, मतलब इंग्लिश का ही गेम होता है और इंग्लिश भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि मेरी भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो मैं भी इस पर अब काम करना स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में, तो उस पर मैं काफ़ी अपना मैंने भी अपना ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग भी ध्यान देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज बस इतना ही है, ये पांच काम आप घर बैठे कर सकते हैं, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और घर वालों को भी अच्छा लगेगा, तो इस पर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी बोरियत भी ख़त्म हो जाएगी, आपका टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बस इतना ही आज के लिए, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं गाइज। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के साथ याद है ना बेल आइकन होगा उसे भी दबाना, ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।